सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। देख रहे हैं देश की शान और देश की शान किरण गोदारा और उनके कोच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विष्णु जी। उनसे दिलचस्प बातचीत का दौर जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले हम तमाम पहलुओं पर, उनके फाइट पर, अप्स एंड डाउन पर चर्चा कर रहे थे। अब बारी है रैपिड फायर राउंड की किरण गोदारा के साथ। उनसे जानते हैं कि उनकी पसंद नापसंद क्या है, असल जीवन में वो किस तरह की हैं। किरण, अगर कुश्ती के मैदान की बात करें, कुश्ती के अखाड़े की बात करें, वहां के बाहर आप कैसी हैं? लोग जानना चाहते हैं कि किरण गोदारा असल जीवन में कैसी हैं, वो सिंपल हैं या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, शांत हैं, किस तरह का स्वभाव है, क्या चीज़ें पसंद हैं? वैसे तो मैं बहुत रहने में बहुत सिंपल हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरे में अंदर गुस्सा है तो वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, गुस्सा ज़्यादा है, वो फाइट में भी देखने को मिलता है वो एग्रेशन का। बिल्कुल। किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा आपको गुस्सा आता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई बात हो जाती है तो उस पर अगर मेरे जैसे यूँ लगता है कि नहीं ये गलत है तो उस पर मुझे गुस्सा आता है। वहीं पसंद नापसंद की बात करें, शौक की बात करें, कौन सा स्पोर्ट्स, कुश्ती में तो आप खुद हैं ही और आप अच्छा कर रही हैं, आगे पूरे देश को जो आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि आप आने वाले समय में और मेडल्स जीतेंगी, देश का और नाम रोशन करेंगी, लेकिन कुश्ती के अलावा और कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जिस जो आप देखना पसंद करती हैं या खेलना पसंद करती हैं? अब तो जैसे प्रैक्टिस करते तो टाइम नहीं लगता, लेकिन पहले मैं क्रिकेट देखती थी। क्रिकेट में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग, वो भी यहाँ के हरियाणा के ही हैं। वहीं अगर बात करें मूवीज़ की, आजकल बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनके ऊपर फिल्में बन रही हैं, चाहे दंगल कर लें या कुश्ती में सुल्तान मूवी अभी बनी सलमान खान की, उसके अलावा मैरी कॉम बनी, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया और उनके ऊपर फिल्म बनी, भाग मिल्खा भाग और न जाने कितनी फिल्में बनी हैं और आगे भी बनेंगी। इस तरह की मूवीज़ पसंद हैं या किस तरह की मूवीज़ देखना पसंद है आपको? ये गेम्स की मूवी बनी होती तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं मूवी कम देखती हूँ, ज़्यादा नहीं। फिर जब खेल के मैदान से आप दूर होती हैं जिस वक्त, तो किस तरह से अपना समय जो है वो बिताती हैं, क्या पसंद करती हैं? जब आप कॉमनवेल्थ से वापस आई तो बहुत मान सम्मान मिला, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि आप प्रैक्टिस से जब दूर होती हैं तब क्या करना अच्छा लगता है? फैमिली वालों के साथ जो है किस तरह से समय व्यतीत करती हैं, क्या पसंद है आप? फैमिली वालों के साथ ज़्यादा बैठ के बैठना चाहती हूँ मैं, और लेकिन फिर भी ज़्यादा फ्री टाइम हो तो टीवी देख लेते हैं, कि कभी मूवी कभी सॉन्ग सुनना। कौन सी ज़्यादा सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगती है, कौन सा एक्टर आपको बहुत पसंद है? अक्षय कुमार अच्छे लगते हैं मुझे। अक्षय कुमार पसंद है। और हीरोइन की अगर बात करें तो कौन सी पसंद है? नॉर्मल। वहीं आजकल बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनको एड फिल्में मिल रही हैं, उनको मूवीज़ के भी रोल ऑफर होते हैं, अगर भविष्य में कभी आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है या कोई रोल ऑफर होता है, क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगी? जी बिल्कुल। किसके साथ आप स्क्रीन स्पेस शेयर करना चाहेंगी? कि अक्षय आपने बताया आपके फेवरेट हैं। हाँ जी सर, वो तो देखेंगे उस टाइम जब होगा तो देखेंगे किसके साथ करेंगे। वहीं अगर बात करें और किन किन चीज़ों का आपको शौक है मूवीज़ के अलावा, और कौन कौन सी चीज़ें आपको करना पसंद है, बाहर शॉपिंग पे जाती हैं, क्या कुछ करना पसंद है? नहीं सर, जैसे प्रैक्टिस के बाद तो मुझे रेस्ट करना ही पसंद है घर पे रहकर। खाने पीने में किस चीज़ का शौक है? जब आप प्रैक्टिस पे जाती हैं आपके कोच ने एक डाइट दी होगी, डाइट प्लान है जिसको फॉलो करना पड़ता होगा, ना आप उससे इधर ना आप उससे उधर जा सकते हैं, बहुत सारे शौक जो हैं वो भी खत्म करने पड़ते होंगे, कि ज़्यादा तला हुआ नहीं खा सकते, ज़्यादा चटपटा नहीं खा सकते, लेकिन जब एक लंबे टूर के बाद इतनी मेहनत करने के बाद वापस आते हैं, क्या पसंद है आपको खाने का, क्या फरमाइश होती है घर पर? मीठा पसंद है। इसके साथ ही अगर देश की बात करें, जब इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, आपका खून खौलता है, बच्चियों के साथ होता है, या सीमा पार से जब आतंकवाद की घटनाएं होती हैं, घुसपैठ हो जाती है, हमारे जो आर्मी के जवान हैं उनके साथ जब इस तरह की शहादत की खबरें आती हैं, तब क्या फ़र्क पड़ता है? एज अ स्पोर्ट्स पर्सन खून खौलता है, गुस्सा आता है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो देश के रक्षक हैं अगर वो शहीद होते हैं तो वो उनके साथ बहुत बुरा लगता है कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन सरकार को ये करना चाहिए कि उनकी उनको मान सम्मान को बढ़ाने के लिए उनको बहुत इज्जत देनी चाहिए, उनकी फैमिली को पूरा सपोर्ट करना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में उनका नाम हो और पूरा आगे भी उनको याद रखा जा सके। अभी यहाँ पर कॉमनवेल्थ है, इसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज जो आपका टारगेट हो कि नहीं मुझे यहाँ पर पहुँचना है, अपने करियर में ये मुकाम हासिल करना है, क्या एम सेट कर रखा है, कोई टारगेट आपने सेट कर रखा है कि हाँ मुझे आने वाले 5 सालों में अपने आप को इस मुकाम पर देखना है? हाँ जी बिल्कुल, मुझे मैंने ये बिल्कुल ये सोच रखा है कि मुझे ओलंपिक में जाना ही जाना है। आपका आइडल, आदर्श कौन है, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? सुशील कुमार, जिन्होंने ओलंपिक में 2 बार मेडल जीता, तो मैं उनको पसंद करती हूँ कि उनकी तरह हम भी बने।
हमने सुना कि आपकी फाइट के बाद उन्होंने तारीफ भी की कि आपने इतनी अच्छी फाइट लड़ी और इतना अच्छा प्रदर्शन किया, आपके टेक्निक हो या कुछ हो, जब भी उनसे इंटरव्यू किया जाता है तो सबने सवाल किया तो उन्होंने तारीफ भी की है। हाँ जी बिल्कुल, वो हमारे साथ ही थे, उन्हीं की बाउट भी उसी दिन थी, तो वो बहुत खुश हुए कि हमारे इंडिया का सबसे पहला मेडल आया 76 में, तो उन्होंने मुझे वहाँ बधाई भी दी। जी आप कुश्ती में हैं और स्ट्रांग भी हैं, 76 किलोग्राम में आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं वैसे पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग भी पूछना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने सवाल भी किए, आम जीवन में क्या लोग लड़के जो हैं आपको अप्रोच करा कभी किसी ने, या डरते हैं आपसे कि कहीं मुक्का ना पड़ जाए, कहीं हमारी पिटाई ना हो जाए? नहीं ऐसा मेरे साथ अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। कभी किसी के साथ हुआ हो आपने किसी लड़के की पिटाई कर दी हो, किसी सहेली के साथ या किसी फ्रेंड के साथ, ऐसा कभी मौका नहीं? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। वहीं विष्णु जी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। टेक्निक की अगर बात करें, अब ओलंपिक और कॉमनवेल्थ टेक्निक सब जगह यही इम्प्लाई होती है, इसी टेक्निक से जो है खिलाड़ी आगे करते हैं, या कुछ और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है जब टूर्नामेंट चेंज हो जाते हैं? टेक्निक तो लगभग यही रहती है बस, उसमें मैंने बताया ना उस लगाने का स्पीड जिसमें होगा तो वो लगा देगा, स्पीड में अगर ढीला रहेगा तो टेक्निक नहीं लग पाती, उसमें डिफेंस हो जाता है जी। बस उसके लिए तैयारी ये है कि स्पीड वर्क ज़्यादा, टेक्निक के अंदर स्पीड को बढ़ाना है और उसके साथ उसका कम्बिनेशन बढ़ाना है, किस जगह पर कौन सा दाव लगाना चाहिए, मौके का इंतजार जिस दाव का हो उसी टाइम अटैक हो जाना चाहिए, उसमें अगर फैसले लेने में डिसीजन लेने में चूक गए तो वो मौका चला जाता है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इसकी तैयारी करवानी है और करवा रहे हैं ताकि आगे पदक आए, क्योंकि एशियन गेम्स है पहले तो टारगेट वही है, उसके बाद ओलंपिक का है, उसी को मद्देनजर रखते हुए ट्रेनिंग शेड्यूल में डाला हुआ, वो प्रैक्टिस करवानी है अभी। जब कभी किसी प्लेयर का मोरल डाउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा लगता है कि हाँ इसे मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप किस तरह से उसका मोरल अप करते हैं, उसको बूस्ट अप करते हैं कि नहीं तुम ये कर सकते हो, तुम ये हासिल कर सकते हो, किस तरह से आप उसको? उसका ये है कि भाई ये लाइफ में सभी के साथ कभी कभी बुरा दौर भी आता है, कई बार शरीर काम नहीं करता थकावट की वजह से, या उस दौरान ऐसी सिचुएशन रही हो शरीर ने काम नहीं किया हो, तो हताश होने की निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बार बार प्रयास करने से, प्रयत्न करने से, कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है, और उसको जो पुराने इतिहास है उसका थोड़ा सा उदाहरण देते हैं हम भी, बार बार गिरने के बाद 17 बार लड़ाई हारने के बाद जो जीत सकता है, या जो जिसने बिल्कुल अपने स्पोर्ट्स के अंदर ऐसे ऐसे अपने इतिहास में हमारे को ऐसा मतलब सीखने को मिला है कि जो बिल्कुल डॉक्टर ने जवाब दे दिया था एक्सीडेंट में, या भाई तुम स्पोर्ट्स में आ ही नहीं सकते, उसके बाद वो स्पोर्ट्स में भी आए और मेडल लिया उन्होंने, ऐसे ऐसे केस हैं, उनका उदाहरण देते हैं उनको और फिर वो थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाते हैं, उभर जाते हैं और शुरुआत दोबारा हो जाती है प्रैक्टिस की। किरण, परिवार वालों का क्या रिएक्शन था जब आप कॉमनवेल्थ में आपका नाम अनाउंस हुआ, तिरंगा अप हुआ, आपको मेडल मिला, उस वक्त जो आपकी बात हुई परिवार वालों से, उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार हम जानेंगे जिस वक्त किरण गोदारा का नाम अनाउंस हुआ कॉमनवेल्थ में और उनके परिवार में किस तरह से जीत का जश्न मनाया गया, पहली बार उनकी बातचीत अपने घर पर किससे हुई, किस तरह का रिएक्शन था जब वो एयरपोर्ट पहुंची और किस तरह का रिएक्शन हुआ जब वो पहली बार कॉमनवेल्थ खेलकर मेडल लेकर अपने घर पहुंची,